दरभंगा में मोटरसाइकिल और स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन, विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन की खरीद पर एक सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियर के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर माइलेज के साथ। आप चाहे तो लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी ले सकते हैं। आए और हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को घर ले जाए। दरभंगा में जदयू के 2 पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद और डॉक्टर फराज फातमी ने पार्टी छोड़ी। नीतीश कुमार को भेजा इस्तीफा। दरभंगा में जदयू के 2 पूर्व विधायक ने अपने पद और पार्टी से दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में है डॉक्टर फराज फातमी और रामनिवास प्रसाद। डॉक्टर फातमी ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दोनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र और केवटी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके डॉक्टर फराज फातमी और जाले विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके रामनिवास प्रसाद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर फातमी ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि वे अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, जबकि पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद ने लिखा कि मैं अपने सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता, जो कि मिथिलांचल क्षेत्र में मुस्लिम के एक कदावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी जदयू से इस्तीफा दे दिए। बताया जा रहा है कि उन्हें लोकसभा सीट चाहिए था और दरभंगा और मधुबनी सीट, दोनों जो लोकसभा सीट है वह जदयू के खाते में नहीं गया, बीजेपी के खाते में गया, जिसके बाद जो है फातमी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो जदयू से नेता थे, उन्होंने देखे कि उनको कुछ सीट नहीं मिल रहा है, पार्टी में जो है उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो है लगातार जो है 2 पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिए हैं। तो जो दिख रहा है दरभंगा में मिथिलांचल में जदयू का जो है एक जो कह जा रहा है कि जो पुराने लोग जो है वह कहीं ना कहीं जो है सैड हो रहे हैं, तो इसका जो है नुकसान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव में। बता दें कि जो है जदयू के जो लोग हैं वह अंदर खाने से क्या नाराज चल रहे हैं, ऐसी जो है बात सामने आ रहे हैं। और जो इस वजह से जो है लगातार जो है जदयू के जो लोग हैं वह टूट रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है? क्या लोकसभा में जदयू का जो वोट है वह बीजेपी को कन्वर्ट हो सकता है? ऐसे कई सवाल जो है इस्तीफा के बाद जो है यह सामने आने लगा है। बता दें कि जब मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वह पहले आरजेडी में थे और जब जदयू में गए तो आरजेडी को जो है इसको जो है इससे बड़ा नुकसान जो है देखने को मिला था, जहां विधानसभा चुनाव में जो है आरजेडी को जो है करारी हार जो है दरभंगा और मधुबनी में जो है देखने को मिला था। तो क्या इसका जो है नुकसान बीजेपी और जदयू को हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।